हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेरी वेरी वॉक वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एन अकेडमी यूपीएससी हिंदी तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल की एक सेशन आपकी नहीं हो पाई पर आज हम थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे और कल का जो सेशन आपका छूटा था उसे भी कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स आई एम एस के शर्मा आई हैव प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस दो बार यूपीएससी साक्षात्कार चार बार यूपीएससी इंटरव्यू देने के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पीएससी एग्जाम एंड नाउ एंड नाउन एजुकेटर तो देखिए दोस्तों आज है तीस तारीख और अनएकेडमी का एक काफी बड़ा ऑफर आज खत्म हो रहा है क्योंकि तो अनएकेडमी आपको एक साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने पर इंडिया की सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज दे रहा था जो कि अस्सी टेस्टों की होगी 50 टेस्ट होंगे इसमें प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होंगे इसमें मेंस के क्योंकि तो हमेशा हर जगह आपके टेस्ट ही बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है साथ साथ दोस्तों अनकेडमी पर आप अभी भी एस एस एल आई वीई रेफरल कोड के साथ डबल एस लाइव रेफरल कोड के साथ एक साल के सब्सक्रिप्शन में मेंस 2022 तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और दो साल के सब्सक्रिप्शन में आप मेन्स दो तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो साथ साथ बच्चों यहाँ पर एस एस लाइव रेफरल कोड के साथ आपको 35 परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल होता है अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो यानी कि जी प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसी तरीके से आपकी जो बुक्स हैं अन अकेडमी के एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई वो आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर अब घर पर भी हिंदी में भी अवेलेबल है और लोन फैसिलिटी तो आपकी अवेलेबल है ही है तो बच्चों किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन ले आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों में ही आप एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हो तो मिनिमम आपको इस एस एस लाइव रेफरल कोड को यूज़ करके मिनिमम डिस्काउंट 10 परसेंट प्राप्त होगा और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 35 परसेंट प्राप्त होगा तो 10 टू 35 परसेंट डिस्काउंट तक आप इससे प्राप्त कर सकते हो साथ साथ ऑप्शनल में भी ये सारी फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल होंगी बाकी अनअकेडमी लर्निंग ऐप पर आप प्री स्टोरमिंग के सेशन भी ले सकते हो जहां पर फिलिम्स का कंप्लीट रिविजन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करवाया जा रहा है पी आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल पर जिसे आप एट द रेट अनएकेडमी एस के शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हो तो एट द रेट अन एकेडमी एस के शर्मा लिखो और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे वहां आपको सारी पी डी अवेलेबल हो जाएगी तो लेट स्टार्ट गाइज या गुड इवनिंग एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग तो बिल्कुल नमस्कार तो चलो बच्चों बात करते हैं हमारे पृथ्वी की तो जब बात होती है पृथ्वी की तो सबसे पहले देखना होगा कि ये जो हमारा अद्भुत ग्रह है पृथ्वी जो कि ब्रह्मांड से देखने पर बहुत आकर्षक नजर आता है क्योंकि समुद्र के पानी की वजह से नीला रंग बहुत आकर्षक और प्रभावित करता हुआ दिखता है तो ये क्या पृथ्वी जीवन जीने लायक बची है आखिर क्या स्थिति है यहां पर लिविंग ऑब्जेक्ट्स की फ्लोरा फ्लोराफोना किस तरीके से बढ़ रहे हैं इन सभी को दर्शाया जाता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन निकालता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हमारा जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हो लड़ाई झगड़े वाला ये है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर तो यह है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर निकालता है हमारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को तो इसे ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन इस रिपोर्ट को निकालता है तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इस रिपोर्ट को निकालता है और यह है रिपोर्ट आपके पिछली आधी शताब्दी में कशेरुक प्रजातियों की आबादी में बड़े पैमाने की गिरावट को दिखाता है देखो दो प्रकार के जीव जंतु होते हैं एक होते हैं वर्टिब्रा यानी कशेरुक जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं और दूसरे होते हैं नॉन वर्टिब्रा अर्थात ए जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं तो यहां पर जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु हैं जैसे कि मानव भी एक कशेरुक जीव है तो उनकी संख्या में पिछली आधी शताब्दी में यानी कि पिछले 50 सालों में भारी संख्या में कमी आई है तो इस जगह चिंता व्यक्त की गई है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा निकाली जाती है इसी के साथ साथ बच्चों और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये फिर हैंग हो गया हमारा सिस्टम हाँ और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है तो सबसे पहले कशेरुख जीव कशेरुख वो जीव जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ या कशेरुख स्तंभ विद्यमान होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है पेशी प्रणाली की भी, भी इनमें व्यवस्था होती है यानी कि जिस तरीके से आप सभी लोगों में मसल्स पाए जाते हैं जिसे फुला फुला कर लड़के डराते हैं कि आई एम बॉडी बिल्डर तो जो पेशीय तंत्र है मस्क्यूलर पावर है वह भी वर्टिब्राज में कशेरुग जीवों में देखने को मिलेगी और इसी में मुख्य रूप से द्विपक्षीय रूप से युग्मित द्रव्यमान भी होता है द्विपक्षीय रूप से अलग अलग डिवाइडेड आपके मास भी होता है जैसे कि हमारा धड़ अलग है और आपका जो मतलब पेट के ये पैर वाला भाग हम अलग मानते हैं और ऊपर वाला भाग अलग मानते हैं तो ये दो तरीके से द्रव्यमान विभाजित हो गया और यहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आंशिक रूप से रीढ़ की हड्डी के भीतर जुड़ा होता है पूरे नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे एक्शंस के लिए रिएक्शंस के लिए जो बिंदु लगे हुए हैं जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती है इसीलिए जब भी बॉडी को रिलैक्स करना होता है तो रीढ़ की हड्डी पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर ढंग से दबाया जाता है मालिश के दौरान तो फिर बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है तो वो इसीलिए होती है क्योंकि पूरी नर्व्स वहां से जुड़ी रहती हैं पूरा बॉडी का पार्ट जुड़ा रहता है और वह रिलैक्स फील होने लग जाता है तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या है कशेरुक प्रजातियों में गिरावट को दिखा रही है और इसे लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के रूप में भी दिखाया गया है यहां पर कशेरुक जीव बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं और इसे दिखाने के लिए जो सूचकांक जो मापन यूज किया है वो है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स तो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के रूप में इसे यूज किया गया है तो इसे ध्यान रखिएगा साथ साथ बच्चों लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है उसके अंदर हमारा ये जो इंडेक्स है एल पी आई यानी कि लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है यह बताता है कि स्थलीय मीठे पानी और समुद्री आवासों में कशेरुख प्रजातियों की जनसंख्या के आधार पर दुनिया की जैव विविधता की स्थिति क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आखिर स्थल में कितने जीव जंतु मिलते हैं मीठे पानी में कितने हैं समुद्रों में कितने हैं और कहाँ किस किस प्रकार की प्रजातियां हैं उन सभी की स्थिति का आकलन इसके द्वारा किया जाएगा साथ साथ बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन ने इसे जारी किया है और वर्ष 1826 में स्थापित सोसाइटी ऑफ जो है, वह वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक इंटरनेशनल चैरिटी है। तो ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है उसे कौन निकालता है उसे निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी, जो कि किसकी संस्था है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन की तो इस तरीके से काम करता है और यहां पर लिविंग प्लेनेट इंडेक्स जो है वर्ष 1970 से 2016 के बीच में कह रहा है कि 4000 से भी ज्यादा कशेरुख प्रजातियां हैं जो कि 21000 से भी ज्यादा जीव हैं उन्हें ट्रैक कर कर तैयार किया गया और यहां पता लग रहा है कि काफी ज्यादा वर्टिब्रास खत्म होते जा रहे हैं तो बहुत सारे वर्टिब्रास यहाँ पर हमें खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये सब चीजें हमें किसमें दिख रही हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अंदर दिख रही है साथ साथ बच्चों कुछ और भी चीजें निकल कर आई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में जैसे कि कशेरुक जीवों की तो बात हुई ही हुई साथ साथ कहा गया कि 1970 से 2016 लगभग पिछले 50 सालों में आधी शताब्दी में कशेरुक प्रजातियों की अड़सठ प्रतिशत की गिरावट हो गई है और इसमें भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में गिरावट 45 प्रतिशत है जो कि सबसे ज्यादा है और अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय उपभागों के लिए लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में चौरानवे प्रतिशत की गिरावट हुई है अमेरिका में खासकर एशिया प्रशांत रीजन में तो है ही है पर अमेरिका में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है और वह चौरानवे प्रतिशत है कि वहां पर जितने जीव जंतु रहा करते थे वो अब उतने नहीं हैं तो भयंकर और भीषण कमी यहां पर अमेरिका में देखी गई है और खासकर जो मीठे जल की प्रजातियां हैं उनमें औसतन चौरासी प्रतिशत की कमी आई है इसके अलावा बच्चों मीठे जल की प्रजातियों के आबादी और जो स्थलीय और समुद्री प्रजातियां हैं वह बहुत तेजी से कम हुई खासकर जो फ्रेश वाटर क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मीठे पानी को दूषित कर देते हैं प्रदूषित कर देते हैं और इसीलिए वो जीव बहुत तेजी से मर रहे हैं जैसे कि उदाहरण ले लो हमारे गंगा नदी की जो डॉल्फिन है गेंगेटिक डॉल्फिन है ना वो भी क्यों मरती जा रही है क्योंकि हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं मीठा जल साफ रह नहीं पा रहा तो जीव जंतु मरेंगी तो इसीलिए स्थल पर रहने वाले जीव जंतुओं की तुलना में और खारे पानी में रहने वाले या समुद्रों में रहने वाले जीव जंतुओं की तुलना में मीठे पानी के जो जीव जंतु हैं वह बहुत तेजी से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं इवन आपके मीठे पानी की एक तिहाई प्रजातियां विलुप्त तो हो चुकी हैं तो एक तिहाई प्रजातियां यहां पर विलुप्त हो चुकी है तो यह डेफिनेटली काफी ज्यादा चिंता का विषय है साथ साथ यहां पर जो हमारे मीठे जल के आवास हैं वहां पर वन्य जीवों की आबादी में भी काफी कमी आई है और विशेष तौर पर अमेरिका के अंदर तो अमेरिका और कैरेबियन देशों में हर साल चार प्रतिशत जीव कम हो जाते हैं और अगर हम आकार के हिसाब से देखें तो जो मैगनाफोना है मैगाफोना है मैगाफोना का मतलब ऐसे जीव जंतु जो बड़ी आकार के हैं मेगा यानी बड़ा तो मैगाफोना यानी जो बड़ी प्रजातियां हैं वो ज्यादा असुरक्षित है क्योंकि तो यह गहन मानव जनित खतरों को झेल रही हैं इनका दोहन सबसे ज्यादा हो रहा है इसीलिए मैगाफोना जो बड़ी बड़ी वन्य जीव है वो मर रही हैं जैसे कि बड़ी मछलियां वेल मछली खत्म हो गई और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां नष्ट हो रही हैं क्योंकि तो वो सब मेगाफोना थी और जन जीव हमारे इंसानों ने उन्हें मार दिया तो ये सारी चीजें हैं इसीलिए क्या हो रहा है उन्नीस के बाद में जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है जो पारिस्थितिकीय पद चिन्ह है वह पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की दर को दर से भी अधिक है क्या देखने को मिल रहा है कि पारिस्थितिकीय पद चिन्ह पृथ्वी की, की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन, यानी कि पृथ्वी कितनी तेजी से अपने आप को पुनरुत्पादित कर देती है पुनः फर्टाइल कर देती है मान लो कि आज कोई जीव मर गया पर वो कल जीव वापिस उत्पन्न हो जाएगा तो वो कहते हैं रिप्रोडक्शन पावर ऑफ अर्थ तो यहां पर हमें देखने को मिला कि जिस तेजी से जीव जंतु मर रहे हैं वो कहीं ज्यादा है पृथ्वी की पुनरुत्पादन शक्ति से यानी कि अब पृथ्वी भी दोबारा उन चीजों को उतनी तेजी से उत्पन्न नहीं कर सकती जितनी तेजी से वे विलुप्त हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हमें यहां पर नजर आता है तो इसीलिए कई प्रकार की समस्याएं हैं जो कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में हमें देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली इन सभी चीजों पर नजर डाले जाने की पूरी पूरी आवश्यकता है साथ साथ बच्चों हमें यह भी पता चला कि जो पारिस्थितिकी पदचिन्ह है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वह पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मान माप का आकन है ध्यान रखिएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर पहले भी यूपीएससी प्रम्स में क्वेश्चन आए हैं तो इंपॉर्टेंट है यह सीधा सीधा में पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मांग कि आखिर हम पृथ्वी से कितनी चीजों को मांग रहे हैं कितनी चीजों का उपभोग कर रहे हैं यह चीज पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट दिखा रहा है और अभी पता चल रहा है कि मानव इतनी चीजों का उपभोग कर रहा है कि पारिस्थितिकीय पद चिन्ह बहुत बड़े हो गए हैं यानी कि मांग मानव की बहुत बड़ी हो गई है और पृथ्वी उतनी चीजों को उत्पादित नहीं कर पा रही जैसे कि पृथ्वी मान लो 500 किलो केले उत्पादन करती है हमारी डिमांड है आठ किलो तो वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ गया है तो ध्यान रखिएगा मानव की मांग की तुलना में पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की क्षमता को ही यहां पर देखा जाता है और इसका प्रयोग करते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि हर व्यक्ति एक निश्चित जीवन शैली का अनुसरण करे तो मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी के कितने हिस्से की जरूरत होगी अगर हम सब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही प्रस्ती पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपभोग करें ना कि लालच की वजह से जैसे कि घर में आप देखो पहले क्या होता था एक ट्यूबलाइट एक पंखे से काम चल सकता है पर आजकल क्या जमाना आ गया आजकल फॉल सीलिंग करवाएंगे दस दस लाइटें लगवाएंगे दो दो पंखे लगवाएंगे ए भी चाहिए ये भी चाहिए मतलब काम एक पंखे एक ट्यूबलाइट से हो रहा था पर अब क्या कर रहे हैं अंधाधुन चीजों का उपभोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ज्यादा से ज्यादा उपभोग बढ़ेगा यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ गया पारिस्थितिकीय पद बढ़ गया अब पृथ्वी तुम्हें उतना जीवाश्मी ईंधन नहीं दे सकती जितना तुम उपभोग करना चाह रहे हो और इसीलिए क्या हो रहा है पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता के से कहीं ज्यादा पारिस्थितिकीय पदचिन्न इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गए हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर देखी जा रही है जो कि सबसे बड़ी समस्या हमारे पास निकलकर आई है इसके अलावा बच्चों हमारे यहां पर जैव विविधता के लिए भी कई खतरे उत्पन्न हो गए जैसे कि आवासों की हानियां हो रही हैं बहुत तेजी से आवासों का शरण हो रहा है क्योंकि यहां पर कई प्रजातियां केवल इसलिए नष्ट होती जा रही हैं, क्योंकि जहां वो निवास करती थी उनकी गुणवत्ता में निवास स्थानों में भारी गिरावट आई है विखंडन हो रहा है और इसी वजह से इसका रीजन है अस्थर कृषि लॉगिंग ज्यादा हो रही है परिवहन ने बहुत सारे जीव जंतुओं के रास्ते दुष्भर कर दिए हैं नदियों का प्रवाह में भी परिवर्तन आ गया आपने देखा होगा कि विकास के नाम पर हम लोगों ने कई सड़कें बना दी और सड़कें कहां से बनाई वन्य जीव में से गुजर रही वन्य जीव अभ्यारण्य में से गुजर रही है किसी राष्ट्रीय पार्क में से सड़क गुजर रही है जैसे कि कर्नाटका का, का बांदीपुर नेशनल पार्क देख लो आप है ना वहां पर एक रोड है एनएच सिक्सटी उसे क्या कहते हैं डेथ रोड कहते हैं क्यों कहते हैं उसको डेथ रोड मृत्यु की सड़क क्यों कहा जाता है क्योंकि वहां पर क्या है वह है? बांदीपुर नेशनल पार्क को दो भागों में बांटती है और अक्सर जो शेर वगैरह होते हैं वो इस जर, जंगल से इस जंगल की तरफ जाते हैं सड़कों पर आ जाते हैं गाड़ियां आती हैं मार के चली जाती है शेरों को तो बहुत सारे जीव जंतु और खासकर शेर यहां पर मर रहे हैं तो ऐसे ही हमने विकास के चक्कर में बहुत ज्यादा क्षेत्रों को अस्थिर कर दिया है प्राकृतिक आवासों का शरण कर दिया है तो वो गलत है जबकि हम रोड को कहीं और भी बना सकते थे क्यों जंगल के बीच में से बनाई तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है साथ साथ हम हर चीज का अत्यधिक अति दोहन कर रहे हैं हम कभी भी सतत चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हम ये नहीं सोच रहे कि अगली हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी चीजें बचेंगी कौन सी नहीं बचेंगी तो इसीलिए हमें उन पर भी ध्यान देना होगा तो प्रजातियों का अति दोहन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अनसस्टेनेबल शिकार अवैध शिकार और दोहन को दिखा रहे हैं अप्रत्यक्ष अत, अति दोहन हो रहा है गैरलक्षित प्रजातियों को अनायास ही मार दिया जाता है जैसे कि हम पकड़ने गए मछली और उसके साथ साथ में दो चार प्रजाति और फंस गई और बेचारी वो भी मर गई उनकी कोई कदरी नहीं है उनकी जान की तो ये सारी चीजें हो रही है फिर तीसरी समस्या क्या हो रहा है प्रदूषण प्रदूषण तो हमें निगल ही लेगा क्योंकि प्रदूषण की वजह से कई प्रजातियों के अस्तित्व तो खतरे में है खाद्य उपलब्धता और साथ साथ प्रजनन को भी प्रभावित कर रहा है प्रदूषण सोच के देखो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है कि बच्चों को अस्थमा बचपन से ही होने लग गया है बच्चों के आई विजन वीक हो गए हैं तो जब मानव के बच्चों पर इतना दुष्प्रभाव पड़ सकता है तो बेचारे वन्य जीव और छोटे मोटे जीवों की तो प्रजातियां ही नष्ट कर देगा यह प्रदूषण इसीलिए जैव विविधता नष्ट होती जा रही है तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जैव विविधता नष्ट हो रही है साथ साथ बहुत सारे रोग आ चुके हैं आक्रामक प्रजातियां आ चुकी हैं जिसकी वजह से जैव विविधता नष्ट हो रही है क्योंकि क्या होती है आक्रामक प्रजाति या इन्हें बोलते हैं इनवेसिव स्पीशीज क्या बोलते हैं बच्चा इन्हें इन्हें बोलते हैं इनवेसिव स्पीशीज इनवेसिव स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो किसी भी स्थान पर सरवाइव करने के लिए अगले को मार देंगी मतलब ऐसे ऐसी कोई स्पीशीज मान लो जैसे कि मान लो तुम्हारे घर पर कोई आदमी आया तुमने उसकी सहायता के लिए उसे घर पर रख लिया और कल को वो तुम्हें ही घर से बाहर फेंक दे तुम्हें ही मार दे तो ऐसी होती है आक्रामक स्पीशीज क्या करती हैं किसी भी पेड़ पौधे के साथ में किसी भी जीव जंतु के साथ में रहने लग जाएंगी और फिर आक्रामक होकर उसे ही नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं तो ऐसी आक्रामक प्रजातियों की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि तो इससे क्या होता है प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप्स में पारिस्थितिकीय संबंधों के अंदर प्रतिस्पर्धा क्या करती है दोनों ही प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है दोनों ही प्रजातियों के लिए हानिकारक रहती है तो वो यहाँ पर रहेगी तो ये समस्याएं होंगी फिर साथ साथ जैव हमारे पास जैव विविधता का अगला लक्षण और अगला प्रॉब्लम क्या है जलवायु परिवर्तन तो देखियो जलवायु परिवर्तन की वजह से कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं हीट बढ़ रही है बहुत सारे जीव जंतु बेचारे हीट में सरवाइव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली काफी चीजों को नुकसान होगा तापमान में परिवर्तन हो रहा है मौसमी घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है जैसे कि देख सकते हो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है पक्षियों के प्रवास के पैटर्न बदल रहे हैं तो काफी सारी प्रजातियां यहाँ पर खतरे में है और जैव विविधता नष्ट होती जा रही है तो ये सारी समस्याएं हमारे पास हमें देखने को मिल रही हैं तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं अब बच्चों बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की माना कि बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टॉपिक है ये लगता तो नहीं है कि हम लोग इसे पूरा कर पाएंगे पर लक्ष्य तो हमने बनाया है क्योंकि तो हमने सोचा है कि वर्ष 2050 तक वन्य जीवों की पुनर्बहाली होगी जो भी वन्य जीव गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या फिर जंगलों से विलुप्त तो हो चुके हैं या फिर जिनको संरक्षित बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश हो रही है उन सभी की बहाली करने का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक बहुत एम्बिशियस लक्ष्य है लगता तो नहीं है कि 30 साल में हम ये सब कर पाएंगे पर फिर भी हमने लक्ष्य तो बना ही लिया है तो इसके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ प्रम्स में नहीं बल्कि मेन्स में भी काम में आएगा तो देखते हैं क्या है ये किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन सर आप पीते क्या हैं चलिए है ना दिस इज सीक्रेट ऑफ माइंड एनर्जी ओके हां तो चलिए बच्चा यहां पर 2050 के लिए लक्ष्य किसने रखा है हमारा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यू की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में दो तिहाई से अधिक की कमी आई है यानी कि 67 परसेंट वन्य जीव नष्ट हो गए हैं और वैश्विक स्तर पर नदियां और झीलें और जीवों की में तीव्रता से कमी आ रही है और साथ साथ ताजे जल में जो लोग निवास करते थे उनमें तो चौरासी प्रतिशत तक की कमी आई है यानी कि भयानक रूप से जैव विविधता संकट में है वन्य जीव मरते जा रहे हैं तो इसी की सुधली हमारे सीबीडी ने कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जिसे आप सी के नाम से जानते हो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इसमें कहा गया कि जिस तरीके से स्थलीय जीवों में कमी हो रही है उन सभी को रोकने का उपाय किया जाएगा और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि जो स्थल पर रहने वाले जीव है बाकी जगह नहीं समुद्रों की बात नहीं की जल की बात नहीं की यहाँ पर जो स्थल में रहने वाले जीव हैं उन्हें हम 2050 तक या उससे पहले उनकी पुनर्बहाली कर देंगे तो लक्ष्य तो हमने रख लिया अब करेंगे कैसे तो देखिए प्रकृति और मानव के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और प्रकृति जितना मानव पर निर्भर करती है उतना ही मानव प्रकृति पर निर्भर करता है और इस चीज को हम कोरोना की वजह से देख चुके क्योंकि कोरोना ने क्या किया हमने वन्य जीवों को मारा जंगल नष्ट किए जानवरों ने हमारे शरीर में जूनोटिक रोग भेज दिए और वही जूनोटिक रोग कोरोना के रूप में हम सभी को लील गए तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा स्वस्थ पारिसंत्र के लिए हमें ऑल और होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य और उसमें ना सिर्फ मानव बल्कि जंतुओं के स्वास्थ्य और जंतुओं की रक्षा के बारे में भी सोचना होगा और अभी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर हैं इसीलिए हमें उन्हें बचाना होगा और उन्हें बचाने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम जीवन समर्थन प्रणालियों के समक्ष हमें कई खतरा उत्पन्न हुआ है उसे रोकना होगा इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व के समक्ष नौ बड़े खतरों को चिन्हित किया गया है विश्व आर्थिक मंच ने पहले ही बताया है कि पूरे विश्व के सामने नौ बड़े खतरे आएंगे जिसमें से छह खतरे ऐसे हैं जो कि प्रकृति का विनाश भी कर सकते हैं तो उन्हें रोका जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमारा जो सी है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वह कैसे आया था उसे समझ लो यह प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है और प्रिलिम्स में पहले भी पूछा गया है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वह उन्नीस में

जानते हो तो देखिए यहां पर हमारा जो सीबीडी है यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है उसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं तीन मुख्य उद्देश्यों पर काम करता है पहला कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी काम करता है जैव विविधता का संरक्षण कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको संरक्षित किया जाए किसी भी प्रकार से जीव जंतुओं को कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो जीव जंतु रहेंगे तभी खाद्य श्रृंखला जटिल रहेगी तभी हमारे पास में सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी रहेंगे प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे तो इसीलिए सबसे पहले बायोडायवर्सिटी बचाओ दूसरी बात जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग क्योंकि तो देखो बच्चों क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से चीजों का उपयोग करेंगे दोहन करेंगे कि आज ही खत्म कर दें तो वह अगली पीढ़ी के लिए बचेगा नहीं ना तो जैव विविधता बचेगी और हम भी नहीं बचेंगे तो इसीलिए जितने भी जैव विविधता के घटक हैं चाहे वह पेड़ पौधे हो, फल सब्जियाँ हो, चाहे वह जीव जंतु हो सभी का सतत उपयोग करना चाहिए यानी कि इस प्रकार का उपयोग किया जाए कि वह ना सिर्फ हमारे लिए बचे बल्कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे यानी कि हमारे इन वस्तुओं को प्रयोग करने का जो पारिस्थितिकीय पद चिन्ह है वह पृथ्वी की पुनर्उत्पादन क्षमता से कम या फिर उसके बराबर होना चाहिए सतत उपयोग होगा तो वो हमें करना है तीसरी चीज आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यासगत करन। देखो बच्चों, क्या होता है कि कितना भी भी तुम बचा लो, फिर भी कुछ, ना कुछ ऐसे जीव जंतु होंगे जो कि नष्ट होंगे ही होंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव की वजह से हो रहा है प्रकृति भी चेंज होती रहती है जब से महाविस्फोट हुआ सूर्य से पृथ्वी बनी सूर्य से अलग होकर पृथ्वी बनी तब से पृथ्वी ठंडी हुए, हुए जा रही है और अब जीवन है तो ऐसे ही पृथ्वी आज भी ठंडी हो रही है ब्रह्मांड आज भी प्रसार कर रहा है ब्रह्मांड की गतिविधियां आज भी बदल रही है हो सकता है कि जहां आज पृथ्वी है जहां पर जीवन है वही कहीं और किसी टाइम पर मंगल ग्रह पर जीवन रहा हो आज मंगल पर जीवन नहीं है तो ऐसे ही कल को पृथ्वी भी हो सकता है कि हम भी मंगल जैसे हो जाएं तो इसीलिए प्राकृतिक कारणों से भी जलवायु परिवर्तन होते हैं तो कुछ जीव तो नष्ट होंगे तो अब उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा उनके जीन बैंक बनाने पड़ेंगे उनके आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करना होगा तो अगर आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है न्यासगत तरीके से हो रहा है तो वो करना चाहिए तो इस तरीके से हमारा सी बी डी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा क्या है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसका संयुक्त राष्ट्र का उसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं जिन पर यह कार्य किया जा रहा है तो इसे ध्यान रखेंगे साथ साथ बच्चों हमारा जो वन्य जीव जो इतनी मेहनत कर रहा है तो इस पर भी प्रिलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व वन्य जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताइए तो यहां पर भी एक प्रिलिम्स स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये लड़ाई वाला नहीं है वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वह उन्नीस में बना था यह पर्यावरण के संरक्षण अनुसंधान रख रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है साथ साथ इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा है पृथ्वी का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसे रोका जाए और एक ऐसे ही भविष्य का निर्माण किया जाए जिसमें मनुष्य पृथ्वी के साथ में सामंजस्य स्थापित कर सके क्योंकि हमेशा से मनुष्य ही है जो कि पृथ्वी को खराब करता है क्योंकि हमेशा पृथ्वी कहती है कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मैं अपने आप को संभाल लूंगी पर मनुष्य हमेशा अपने फायदे के लिए पहले दोहन करेगा फिर उसे ठीक करने का नाटक करेगा और चाहे दोहन करे या ठीक करने का नाटक करे दोनों ही केसेस में पृथ्वी का नुकसान होता है तो इसीलिए हमें मानव को पृथ्वी से सामंजस्य हम बना पाए तो ऐसे भविष्य के निर्माण के तरीकों को हम खोजेंगे साथ साथ वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट भी निकालता है अभी अभी पढ़ी है हमने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट और यह है आपके लिविंग प्लेनेट इंडेक्स भी निकालता है यह भी अभी हम पढ़कर आए हैं साथ साथ आपके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन पारिस्थितिकीय पद चिन्ह का जो संकलन है गणन जो है वह भी यह करता है तो ध्यान रखिएगा हमारा वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है 1961 में बना था पर्यावरण के संरक्षण अनुसंधान और रखरखाव संबंधित काम ये करता है पृथ्वी के अवनयन को रोकता है और ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जिससे पृथ्वी और मानव सामंजस्य से रह सके साथ साथ रिपोर्ट में यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन रिपोर्ट निकालता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकालता है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स ये निकालता है और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नाम की जगह है स्विट्जरलैंड में तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक जगह जी एल ए, ए एन डी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है हेडक्वार्टर है तो ये ध्यान रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पूछा जा सकता है देखो बच्चों अब एक और घटना हुई जिस पर आप सभी की नजर बिल्कुल जानी चाहिए क्या हुआ हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कभी देखना हो तो जरूर जाना उड़ीसा में तो बहुत ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे ना आपको नंदन कानन में जो शायद तुमने सिर्फ फोटोज में ही देखे बहुत इंटरेस्टिंग है कभी मौका मिले तो जरूर नंदन कानन जाना यहां पर क्या हुआ एक स्लॉथ बियर मर गया तो उस पर काफी बातें चली और काफी दिनों तक ये न्यूज में भी रहा पीछे जो आप देख रहे हो ये है स्लॉथ बियर तो इस स्लॉथ बियर की मृत्यु हो गई तो बच्चों उड़ीसा का कहां पर है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में दो स्लॉथ बियर की मृत्यु हो जाती है और यहां पर ये जो स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई सितंबर 2020 में हुई सात साल का था ये स्लॉथ बियर और यह अगले ही दिन 25 वर्षीय मादा स्लॉथ बियर की भी यहां पर मृत्यु हो गई तो इस तरीके से काफी सारे स्लॉथ बियर मर रहे हैं तो रीजन क्या है क्यों ये स्लॉथ बियर मर रहा है तो देखिए नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क में ही आपके पहले एक हिमालयन ब्लैक बियर की भी मृत्यु हुई थी ऐसे ही उन 2019 में एलिफेंट एंड्रियोथ्रोटिकल हर्पिस वायरस के कारण भी मृत्यु हुई थी हर्पीस वायरस भी यहां पर ही आया था नंदन कानन में तो इतने सारे वायरस इतने सारे जीव आखिर नंदन कानन में मर क्यों रहे हैं क्योंकि तो यहां पर क्या हुआ था हाथियों के अंदर एक वायरस होता है हर्पीस वायरस तो एंडोथियलोट्रॉपिक हर्पीस वायर वायरस था उसकी वजह से हाथियों की यहां पर मृत्यु हो गई थी आठ में से चार हाथी यानी आधे हाथी मर गए थे तो ये सारी चीजें थी क्योंकि हाथियों के जो प्लेटलेट्स होते हैं उनमें तीव्रता से गिरावट आ गई और उसी से आंतरिक रक, हुआ और बेचारे हाथी मर गए तो 2019 में हरपीस वायरस भी नंदन कानन में ही आया तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है और अब हमारा बेचारा स्लॉथ बियर भी मर गया दो दो स्लॉथ बियर मर गए तो ये सारी चीजें रही तो नंदन कानन न्यूज में आया तो देखो क्या है एक तो उड़ीसा जो है ना वो तटीय राज्य है अक्सर चक्र, चक्रवात वगैरह आते रहते हैं सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता और तो वायरस संक्रमण बहुत आसानी से फैल सकता है तो ये सारी समस्याएं पर उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी वजह से अक्सर जीव जंतु यहां मरते रहते हैं तो नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क कब स्थापित हुआ 1960 में वाजा वाजा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर यही था तो देखिए भारत जब वाजा का सदस्य बना तो वाजा की तरफ से वाजा के अंदर भारत की तरफ से चिड़ियाघर के रूप में पहली बार जो गया वह था नंदन कानन जूलॉजी पार्क तो वाजा क्या है वाजा मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम यानी कि चिड़ियाघरों और एक्वेरियम क्षेत्रीय संघों राष्ट्रीय महासंघों का वैश्विक गठबंधन है वाजा और दुनिया भर के जानवरों और उनके आवास की देखभाल और संरक्षण भी करता है तो हमारा जो नंदन कानन है वह है पहला कैप्टिव मजन कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जैसे कि मगरमच्छ हमारे भारत में तीन चार तरीके के मिलते हैं जिसमें से मगरमच्छ मगर जो है उसका कैप्टिव ब्रीडिंग सेल भी रहा है नंदन कानन और ये क्षेत्र साथ साथ कानन इसलिए फेमस है कभी देखा है तुमने सफेद बाघ सफेद टाइगर नंदन कानन जाओगे तो सफेद बाघ तुम्हें देखने को मिलेगा साथ साथ इंडियन पेंगोलिन भी यहां आप देख पाओगे भारतीय पेंगोलिन भी यहां देखोगे सफेद बाघ भी देखोगे और तो और नंदन कानन में तुम सफेद मगरमच्छ भी देख सकते हो अगर लकी रहे तुम तो, तो इसीलिए ऐसा है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जो तुम्हें नंदन कानन में दिखेगा वो कहीं नहीं दिखेगा सोच के देखो सफेद बाघ दिख रहा है नॉर्मल बाघ देखना मुश्किल है और तुम्हें सफेद बाघ दिख रहा है सफेद मगरमच्छ दिख रहा है तो ये सब चीजें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नंदनकानन में दिख सकती हैं और पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेंगी तो इसीलिए नंदन कानन जाओ तो देख के जरूर आना तो देखिए मरा कौन है हमारा सुस्त भालू स्लॉथ बियर वैसे दो तो भालू तो सुस्त होते ही हैं मोगली वाली मूवी तो तुमने देखी होगी भालू आलसी भी होते हैं सुस्त भी होते हैं तो देखिए सुस्त भालू या स्लॉथ बियर जो है इसका वैज्ञानिक नाम है मेलूर रस हमारा मेलूर सस आर्सिनस मेलूर सस आर्सिनस क्या है हमारा इसका साइंटिफिक नाम है यह बहुत ज्यादा प्यार करता है शहद से शहद खाना बहुत पसंद है इस सुस्त भालू को और देखो जो मीठा ज्यादा खाएगा उसे नींद आएगी इसीलिए क्या करता है बहुत शहद खाता है मीठा खाता है मोटा हो जाता है आलसी हो जाता है सोता रहता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हनी बियर भी कहा जाता है और इसे हिंदी में भालू भी कहते हैं इसे आपके उड़ीसा के हमारे उर्सीड़ा या उर्सीड़ी परिवार का हिस्सा भी माना जाता है उर्सीड़ा या उड़ीसी परिवार का हिस्सा भी इसे मानते हैं कहाँ कहाँ मिलता है स्लॉथ बियर स्लॉथ बियर आपको भारत श्रीलंका उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिल सकता है तो आपको भारत श्रीलंका उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर यह बियर मिल सकता है तो ध्यान रखिएगा भारत श्रीलंका के अलावा कुछ ट्रॉपिकल एरियाज और कुछ टेम्परेट एरियाज के अंदर भी आपको यह स्लॉथ बियर मिल पाएगा तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए साथ साथ बच्चों संरक्षण की स्थिति क्या है स्लॉथ बियर की हमारी आयु की रेड लिस्ट के अंदर यह वलनरेबल पाया जाता है क्या है यह आपका सुबेद्य में आता है यह वलनरेबल है और हमारे जो साइट्स है साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा यानी कि जो भी वन्य जीव हैं अगर कोई भी उनकी तस्करी करता है अवैध शिकार करता है तो किसी भी प्रकार के गंभीर संकटग्रस्त जीवों की सुरक्षा के लिए कोई भी उनका शिकार ना हो उसके लिए हमने एक अभिसमय बनाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसका नाम है साइट्स तो साइट्स क्या करता है किसी भी प्रकार के वन्य जीव और वनस्पतियों की जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है कि वह गलत तरीकों से तो नहीं हो रहा तो साइट्स के परिशिष्ट वन में भी यह आता है और परिशिष्ट वन में आने का मतलब है कि सबसे ज्यादा यह संरक्षित किया जाता है तो स्लॉथ बियर क्या है आईयूसीएन की लिस्ट में एक तो वल्नरेबल है दूसरा साइट्स के अंदर अपेंडिक्स वन में आता है और रही बात भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम उन्नीस की तो भी यह यहां पर काफी ज्यादा संरक्षित है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर यह अनुसूची एक के तहत आता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह आपको अनुसूची एक में भी देखने को मिलेगा तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा साथ साथ बच्चों हमारा ये जो स्लॉथ बियर है आखिर यह है क्यों मरता जा रहा है क्यों इसकी संख्या कम हो रही है तो सबसे पहली जरूरत है इसके रहने के लिए निवास तो इसके निवास स्थान की हानि हो रही है दूसरा इसके शरीर के अवैध अंगों के लिए इसका अवैध शिकार हो रहा है लोग क्या सोचते हैं जैसे कि एक अंधविश्वास है कि किसी भी छोटे बच्चे को साल की उम्र से पहले पहले भालू के ऊपर बैठा दो तो वह जीवन भर किसी भी चीज से नहीं डरेगा बुरी शक्तियों से नहीं डरेगा बताओ ये मनगणन बांध अब भाई भालू से बैठने से अगर इंसान को डर लगना बंद हो जाता तो फिर तो हम क्या करते हमारे जितने भी सैनिक हैं जितने भी योद्धा रहे हैं उनको सबको पहले भालू पे बैठाते फिर वो आपके लड़ने जाते तो उनको डर ही नहीं लगता तो हम ऐसा कर सकते थे पर क्या करें अंधविश्वास है तू और कुछ लोग तो क्या मानते हैं कि भालू के जो अंग हैं, भालू का जो मांस है उसे खाने से शौर्यता आती है वीरवर्धन होता है यानी कि आपके सेक्सुअल पावर्स बढ़ती ऐसी भी कई लोग मनगढ़ंत बातें मानते कई कई लोग तो ये तक भी मानते हैं कि अगर जो भालू है उसकी खाल को घर में रखा जाए या उसकी खाल को पहले ओढ़ा जाए तो बुद्धिमता आपके दिमाग में आएगी क्योंकि क्या कहा जाता था बुद्धिमता और इंसान की उम्र बढ़ती है क्यों कहा जाता था ऐसा क्योंकि आपको याद हो तो श्री राम जी ने जब रावण से युद्ध किया था तो उनके एक मंत्री थे जामवंत जो कि काफी वृद्ध थे काफी शक्तिशाली थे कभी भी मरे नहीं कहा जाता है कि आज तक भी वो जिंदा है और काफी बुद्धिमान भी थे तो वो सारे गुण आपको मिल जाएंगे अगर बियर को कि खाल को पहनोगे तो अब बताओ ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें लोग बोलते हैं तो इसीलिए क्या होता है इनका अवैध शिकार हो जाता है साथ साथ बियर को तमाशा दिखाने में करतब दिखाने में भी यूज करते हैं तो उनको लोग पकड़ कर ले जाते हैं तो भी उनकी जान को खतरा हो जाता है कई लोग क्या करते हैं इनके साथ आक्रामक व्यवहार करते हैं जैसे कि भालू को देख के डर जाएंगे और फिर लगेगा कि वो भालू हम पर शिकार करेगा तो उसको मारेंगे पत्थर मारेंगे डंडा मारेंगे फिर भालू आक्रामक हो जाता है तो या तो भालू तुम्हें मार देता है या फिर तुम भालू को मार देते हो पर नुकसान तो भालू का ही हुआ है इसमें तो वो सारी चीजें हैं आक्रामक व्यवहार भी होता है भालू फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है अगर भालू ने फसलों को नुकसान पहुंचाया तो फिर लोग इसे मार देते हैं तो इस तरीके से भालू क्या है मरते जा रहे हैं और स्लॉथ बियर अब आपके वलनरेबल सुभेद्य स्थिति में आ चुका है तो ये सारे रीजन हो रहे हैं हमारे स्लॉथ बियर के साथ में ऐसे ही बच्चों एक और भालू है जो कि है हिमालयन काला भालू ये जो हिमालयन काला भालू है इसका वैज्ञानिक नाम है उर्सिस थिबे थिबेटेनस उर्सिस थिबेटेनस क्या है इसका साइंटिफिक नेम है कहाँ रहता है ये एशियाई काला भालू है तो यह है आपके दक्षिणी और पूर्वी एशिया की पहाड़ी और घने जंगलों में रहता है दक्षिणी और पूर्वी एशिया की जो पहाड़ियाँ हैं उनके जो घने जंगल हैं वहाँ पर यह हिमालयन काला भालू हमें देखने को मिलता है साथ साथ आयुसीएन के अंदर यह हिमालयन काला भालू भी क्या है सुभेद्य है यह भी आपका वल्नरेबल है और एशियाई काले भालू को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि अभी समय के परिशिष्ट वन में इसे भी रखा गया है और साथ साथ यह भी हमारे लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची एक के अंदर आता है तो सेम वही स्थिति है हिमालयन काले भालू की भी जो कि बेयर यानी कि सुस्त भालू की है तो दोनों की स्थितियां IUCN में बिल्कुल सेम है अब इसको क्या खतरा है हिमालयन कालू भाला क्यों क्यों मर रहा है तो इसके भी अंगों की तस्करी होती है तो इसका भी अवैध शिकार हो जाता है साथ साथ घने जंगलों में बेचारा रहता था अब जंगल तो काट दिए गए मानव बस्तियां बस गई हैं सड़कों का विस्तार हो रहा है इसलिए इसके जो प्राकृतिक आवास स्थान थे हिमालयन काले भालू के वो नष्ट हो गए हैं और हिमालयन काले भालू के सारे के सारे आवासीय स्थान जैसे ही नष्ट हुए तो बेचारा यह भी संकटग्रस्त स्थिति में आ गया इसकी भी मृत्यु होने लग गई तो ये सारे रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिले बच्चों अगला हमारा टॉपिक है आज का पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक अथॉरिटी एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ओ अथॉरिटी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए क्योंकि ईपीसीए को क्यों नियुक्त किया गया क्योंकि पंजाब हरियाणा में लोग क्या कर रहे थे पराली बहुत जला रहे थे फसलों के अवशेष को जला देते हैं पंजाब हरियाणा में दिल्ली की हालत खराब हो जाती है सर्दियों में कुछ नहीं दिखता स्मोग बहुत हो जाता है तो यह सारी समस्याएं आ रही थी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को स्थापित किया जाए साथ साथ यहां पर हमारे भारत सरकार ने वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली जिसे आप सफर के नाम से भी जानते हो जो कि सिर्फ वायु गुणवत्ता ही नहीं बल्कि मौसम का पूर्वानुमान भी लगा लेती है तो भारत सरकार ने सफर को भी यहाँ पर देखा और सफ़र के अनुसार देखा गया कि लोग जहाँ पर हम सोच रहे थे कि लोग पराली कम जलाएंगे फसलों के अवशेष कम जलाएंगे वहाँ पर लोगों ने तो बहुत ज़्यादा जलाना चालू कर दिया इसीलिए इसको रोकने के लिए एक प्राधिकरण को अपॉइंट करना ज़रूरी था क्योंकि तो सफ़र का डेटा हमें बताता है सफ़र का जो डेटा है वह हमारे उपग्रह इनसेट थ्री से लिया जाता है और नासा भी इसमें मदद करता है साथ साथ 2019 में 20 मिलियन टन जो है पंजाब में फसल अवशेष को जलाया गया और 9.8 मिलियन टन अवशेष जला दिया गया था इसी तरीके से हरियाणा में 7 मिलियन टन फसल अवशेष में से लगभग सवा मिलियन टन जो है वो जला दिया गया तो काफी मात्रा में अभी भी पंजाब हरियाणा में पराली को जलाया जाता है तो अब करें क्या कैसे रोके लोगों को लोगों को तो हम समझा समझा के थक गए कि भैया पराली मत जलाओ भूसे के लिए काम में ले लो कोई और मेथड यूज कर लो काट कूट के अलग रख लो पर क्या है हमारे किसान भाइयों को लगता है सीधा सरल सिंपल रास्ता जला दो छुट्टी मिलेगी अपने आप जलती रहेगी पर इससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है दिल्ली में तुम पचास पचास तो बहुत ज्यादा हो गया दिल्ली में तुम एक मीटर दूर खड़े हुए आदमी की शक्ल नहीं देख सकते सर्दियों में इतनी बुरी हालत हो जाती है यमुना एक्सप्रेस वे पर ना जाने कितने लोगों की गाड़ियां भिड़ जाती हैं इसी स्मोक की वजह से दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं यहाँ ये लोग पराली जलाते हैं तो ना जाने कितने लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है कितने बच्चे जो इस टाइम पर पैदा होते हैं वो जन्मजात अस्थमा को लेकर पैदा होते हैं जिंदगी भर उन्हें इनहेलर साथ रखना पड़ेगा सिर्फ क्यों क्योंकि यहां पराली जलाई जा रही है फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है तो इसीलिए हमें प्राधिकरण यहां पर लगाना पड़ा तो देखिए फसल अवशेष जलाना सबस्टल बर्निंग क्या होती है कि रबी की फसल की बुवाई हेतु खेतों को तैयार करने के लिए पहले फसल के अवशेष को साफ करने की यह एक पारंपरिक प्रथा है जिसमें अवशेष को जला दिया जाता है अक्टूबर महीने के आसपास जलाना शुरू हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ ही नवंबर के महीने में यह पराली जलाना बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाती है और दिल्ली में इससे प्रदूषण काफी ज्यादा फैल जाता है तो पारंपरिक प्रथा है लोग मानते नहीं हैं इसका प्रभाव क्या होता है बड़ी मात्रा में बहुत सारे जहरीले प्रदूषक वायुमंडल में चले जाते हैं जैसे कि मिथेन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है सी मिथेन होती है सी क्या होती है सी और कुछ वाष्पशील कार्बनिक यौगिक साथ साथ कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो कि कैंसर तक को फैला सकते हैं जिन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि कैंसर देने वाले उपस चीजें भी यहां पर आपको मिलेंगी तो ये सारी समस्याएं तक भी हो जाती हैं साथ साथ लोग जब गेहूं के भूसी को जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण के अलावा मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी नष्ट हो जाती है कि पर्यावरण तो छोड़ो मिट्टी भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी साथ साथ यहाँ पर कई गर्मी जो होती है पराली को जलाने के साथ साथ मृदा में रह जाती है और जितनी गर्मी मृदा के अंदर रहेगी वह उतनी ही नमी को कम कर देगी तो कल को क्या होगा जलाने से मिट्टी के अंदर कुछ लाभकारी रोगाणु बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं मिट्टी की नमी पूरी खत्म हो जाती है तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है तो ये सारे नुकसान होते हैं पर ये हमारे किसानों को पता नहीं है तो ये सारी समस्या समझाया पर फिर भी किसान भाई नहीं मानते और सीधे सीधे पराली को जलाने पहुंच जाते हैं तो हमारे केजरीवाल जी ने इस पर साफ साफ कहा था कि क्या करो कृषि अपशिष्ट को फसल अपशिष्ट को खाद में बदल दो तो यहां पर खाद में परिवर्तन करो तो इसके लिए इन्होंने खाद में परिवर्तन करने के लिए जैव अपघटन तकनीक का भी जायजा लिया और उस जैवघटन जैव अपघटन ग... जैव तकनीक को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत किया जा रहा है पर यहां पर यह भी अभी इतनी उन्नत अवस्था में नहीं है कि हम सभी किसानों को दे दे कि चलो तुम्हारे अपशिष्टों से खाद बना लो तो वो अभी भी इतनी उन्नत अवस्था में यह तकनीक नहीं है पर जैव अपघटन तकनीक क्या है फसल अपशिष्ट को जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को निश्चित ही नियंत्रित भी करेगी और खासकर यह एक कम लागत वाला तरीका भी होगा पर यह पर कम लागत ही सही परंतु फिर भी एक जो माचिस की तिल्ली होती है वो जलाना तो आसान होता है सस्ता पड़ता है तो वो बहुत इजी हो जाएगा तो उससे तो महंगा पड़ेगा तो इसीलिए यहाँ पर कई समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ रहा है तो इसीलिए पराली से निपटने के लिए जो जैव अपघटन तकनीक है आखिर वो है क्या तो तकनीक क्या है पूसा पूसा नामक ये तकनीक है हमारा जो इंस्टीट्यूट है वह है पूसा में है इसीलिए इस तकनीक का नाम रखा गया है पूसा पूंपोजर इसके अंदर होते हैं अपघटक कैप्सूल और इसके अंदर आसानी से इनपुट्स का प्रयोग कर, कर तरल मिश्रण तैयार कर लिया जाता है फिर फसल अपशिष्ट और पराली आठ से दस दिनों तक यहां पर किडवित होती रहती है यानी कि जो फर्मेंटेशन है आपका फर्मेंटेशन है जो हमारे पास में वो यहां पर होता रहेगा किडवन यहां पर होता रहेगा और जैसे ही पराली का किडवन होगा तो फिर वह खाद में बदल जाएगी और खाद भी कैसी होगी ऑर्गेनिक खाद होगी तो वो खाद हमारे यहां पर यूज में ली जाएगी और फिर वो खस फसलों के ऊपर अगर आप इस फर्मेंटेड पदार्थ को डालोगे तो डेफिनेटली फायदा हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा आठ से दस दिनों तक बस पराली को अपघटक कैप्सूल में डालो उसको लिक्विड बना लो और आठ दस दिन तक पड़ा रहने दो फिर वो अपने आप खाद बन जाएगा तो इस तरीके से काम करेगा पूसा अपघटक जो कि जैव अपघटन तकनीक पर आधारित है और इस तकनीक के अंदर उर्वरकों के उपयोग में कमी आने के साथ साथ खेतों की मृदा की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी और इसीलिए दो दोहरे फायदे हैं एक तो फर्टिलाइजर कम यूज़ करने पड़ेंगे किसानों का पैसा कम लगेगा ऊपर से मिट्टी की मृदा भी बच जाएगी साथ साथ जलवायु प्रदूषण भी कम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी तो इसीलिए इस टेक्निक को बहुत ही सरल और उल्लेखनीय बताया गया है परंतु अभी भी वृहत स्तर पर इस, इस तकनीक को प्रयोग नहीं किया जा रहा और इसके लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है तब कहीं जाकर इसे वृहत स्तर इस पर प्रयोग में लाया जाएगा तो ये सारी चीजें यहां पर भविष्य में जरूर होंगी तो देखिए इस कैप्सूल की ये जो अवघटक कैप्सूल है इसकी लागत बहुत ही कम है कह सकते हो कि चार कैप्सूल का उपयोग जो है वह गुड़ और चने के आटे से किसान लगभग 25 लीटर तरल मिश्रण तैयार कर सकते हैं सोच के देखो केवल और केवल गुड़ जो गांवों में अवेलेबल है चने का आटा उससे ही 25 लीटर आप तरल मिश्रण बना लोगे और उस 25 लीटर तरल खाद से एक हेक्टेयर भूमि को फर्टिलाइजर दिया जा सकता है तो ये सारे फायदे यहां पर होंगे तो ये तकनीक जो है बच्चों वो कैसे काम करेगी बस तरल मिश्रण का छिड़काव आप कर दो जो भी फसल और अपशिष्ट है वह पराली नरम हो जाएगी बीस दिनों में पिघल जाएगी जो भी तरल अपशिष्ट आपने बनाया वो फसल पर डाल दो जहां पर तुम्हें उसे नष्ट करना है जो फसल के अवशेष है उस पर डाल दिया वो फसल नरम हो जाएगी बीस दिन में पिघल जाएगी फिर बिना फसल अपशिष्ट पराली को जलाए किसान फिर से बुआई कर सकते हैं यानी कि जो फसल अवशेष बने थे वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और भविष्य में काम आ जाएंगे एज ए उर्वरक तो ये सारे फायदे यहां पर होंगे तो इससे मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता में सुधार भी होगा और साथ साथ जो समस्याएं हैं वह भी उत्पन्न नहीं होंगी तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर हमारी सॉल्व हो जाएंगी पर बच्चों अभी भी कई समस्याएं हैं अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें जानना जरूरी है जैसे कि क्या क्या करना है माना कि ये जैव अवघटक तकनीक एक बेहतर विकल्प है परंतु इसे अनुकूल तो है ये पर यह प्रभावी भी है लागत प्रभावी भी है पर इसके साथ साथ कुछ अन्य विकल्प भी हैं जिसे हम अपना सकते हैं एटलीस्ट जहां जरूरत नहीं है पराली मत जलाओ क्या प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है तो इसीलिए क्या है हम कुछ अन्य विकल्पों को भी खोजें क्योंकि यह जो विकल्प है माना सही है पर अभी भी इसे प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय लगेगा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकल्प भी हमें सोचने चाहिए साथ साथ पराली को जलाने के बजाय उनका उपयोग हम कर सकते हैं पशुओं को चारे के लिए खाद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण के लिए बायोमास ऊर्जा के लिए इवन मशरूम की खेती के लिए पैकेजिंग सामग्री के लिए ईंधन कागज जैव एथिनोल औद्योगिक उत्पादन इन सभी के लिए हम पराली का उपयोग कर सकते हैं तो हमें निश्चित ही इन सभी के लिए पराली का उपयोग हमें करना ही चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने क्या किया था एक राष्ट्रीय नीति जारी की थी कब जारी की थी 2014 में कि पराली कोई नहीं जलाएगा इसके लिए क्या किया था राष्ट्रीय नीति चालू की थी कि अवशेषों का फसल अवशेषों का कैसे प्रबंधन होगा और इसके अंदर खाद लागत थी दो हजार रुपए प्रति हेक्टेयर क्योंकि अगर ढंग से अगर ढंग से अवशिष्ट प्रबंधन हो जाए फसल प्रबंधन हो जाए तो मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी और जो दो हजार प्रति हेक्टेयर की खाद लागत लगती है वह भी नहीं लगेगी इसीलिए कई चीजें हमने यूज की थी पहले हैप्पी सीडर रोटा वेटर जीरो टिल सीड ड्रिल धान स्ट्रो चॉपर रीप बाइंडर इन सभी का उपयोग करके किसान क्या कर सकते हैं फसल के अपशिष्ट को फसल अपशिष्टों को पराली को प्रबंधित कर सकते हैं तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं पर हमने ढंग से अभी भी नहीं की है तो इसे हमें अपनाना चाहिए पर बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मशीनें हैं ये मशीनें बहुत बहुत ज्यादा महंगी हैं अगर इन सभी मशीनों को किसान खरीद ले तो बात बन जाए पर इतनी महंगी मशीनें भाई किसान क्यों खरीदेगा तो इसके लिए पहले तो सरकार को क्या होगा खासकर राज्य सरकारों को आगे बढ़कर सब्सिडी देनी होगी और राज्य सरकारें इस बात को नहीं मान रहे क्योंकि क्या है कृषि जो है हमारे अनुसूची सात के तहत राज्य सूची का विषय है कृषि क्या है हमारे अनुसूची सात के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय होने की वजह से सब्सिडी क्या है राज्य सरकार को देनी होगी अब राज्य सरकार दे नहीं रही तो इस वजह से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं ठीक है ये सारी चीजें हमें देखने को यहां पर मिल रही है तो गाइज इस चीज को ध्यान रखिएगा तो इट शुड बी रिमेंबर बच्चों वीडियोस बफर हो रहे हैं क्या एक बार हमें बता दो बच्चों वीडियोस बफर हो रहा है तो मुझे एक बार बता दो नहीं बफर हो रहा तो कंटिन्यू करते हैं बफर हो रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए है ना क्योंकि हमें लग रहा है कि सिस्टम आज क्लासेस मेरी काफी ज्यादा हुई हैं तो सिस्टम जब हीटेड हो जाता है तो ये यहाँ पर आपके नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो चलो एक टॉपिक और कर लेते हैं है ना ज्यादा नहीं बस ये टॉपिक और कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम हमें लग रहा है कि बफर हो रहा है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो चलो आपको एक लूसेर परितंत्र के बारे में बताते हैं एग्जाम में क्या होता है अजीबो टॉपिक आ जाते हैं कभी कभार तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आखिर लूसेर परितंत्र है क्या क्या हो गया हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह मिली भगत करकर लूसेर परितंत्र को नष्ट कर रही हैं और लूसेर परितंत्र आपके नष्ट होता जा रहा है खासकर खाद्य कंपनियां अपने उत्पादों में शून्य ट्रांसफेट की सीमा को पूरा करने के लिए पाम ऑयल का उपयोग कर रही हैं। क्या हुआ था एक मूवमेंट चला था बच्चा कौन सा मूवमेंट था फिट इंडिया मूवमेंट सबको पता है वैसे ही एक मूवमेंट चला था राइट टू गुड फिट मूवमेंट ईट टू राइट है ना सही चीज खाने का मूवमेंट और उसमें फैट जीरो करने की बात की गई थी कि जो खाद्य उत्पादक खासकर जो पैकेजिंग फूड है उनमें जीरो ट्रांसफेट होना चाहिए खासकर आप लोग ये जो खाते हो ना मैगी पास्ता इन सब में होता है ट्रांस फैट ट्रांस का मतलब होता है संतृप्त वसा कौन सी वसा संतृप्त वसा और संतृप्त वसा जब आपके शरीर में जाती है तो वह जम जाती है और संतृप्त वसा जमने की वजह से दो प्रकार के कैलेस्ट्रॉल होते हैं जिसमें से एक बुरा कैलेस्ट्रॉल होता है एल डी एल ध्यान रखना शरीर के अंदर दो प्रकार के कॉलेस्ट्रॉल होते हैं एक कैलेस्ट्रॉल होता है एच डी एल एच डी एल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो अच्छा होता है जब भी तुम अच्छा वसा खाते हो अच्छी फैट खाते हो जैसे कि अंडे का फैट खा रहे हो अच्छा फैट है येलो वाला पार्ट घी खा रहे हो अच्छा फैट है तो जब भी तुम अच्छा फैट खाओगे तो बनेगा एच जो तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी देगा और शक्तिशाली बनाएगा वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो अच्छी बात है पर हम क्या करते हैं हम तो है योयो यो -यो के फैन और यो यो के फैन क्या करते हैं चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर उसके बाद में क्या खाते हैं ट्रांसफैट संतृप्त वसा क्योंकि क्या होता है आप लोग मैगी खा रहे हो ट्रांसफैट है साथ में सोडियम फ्री मिलेगा ऐसे ही आप लोग सड़कों पर बैठकर क्या खाते हो क्या कहते हैं उसे हाँ चाउमीन डोसा खाते हो डोसा के अंदर बटर वाला डोसा खाते हो अब बटर भी तुम्हारे अमूल वाला तो लगाता नहीं है, है ना वो लगाता है न्यूट्रीलाइट वाला न्यूट्रीलाइट वाला बटर क्या होता है कृत्रिम बटर होता है नेचुरल नहीं होता उसमें भी क्या होती है संतृप्त वसा होती है ट्रांस फैट होती है इस तरीके से कई सारी खाद्य वस्तुएं हैं जिनकी पेरिशेबल लाइफ बढ़ाने के लिए ट्रांस फैट यूज किया जाता है जैसे कि नॉर्मल तेल है जल्दी खराब हो जाता है उसका हाइड्रोजनीकरण कर दिया और बन गया हाइड्रोजेनेटेड ऑयल जिसे तुम डालडा के नाम से जानते हो अब क्या है देखा होगा तुमने चाट पकौड़ियों की दुकानों पर हमेशा उनका जो तेल डालने वाला डिब्बा होता है वो किसी गर्म चीज पर रखा रहता है गर्म तवे पर ही रखा रहता है क्यों रखा रहता है गर्मियों के अंदर भी गर्म तवे पर रखा रहेगा क्यों रखा रहता है क्योंकि वो पिघला रहे क्योंकि अगर उसको तवे से उतार कर नीचे रखा तो सबको पता लग जाएगा डालडा खिला रहा है तुम्हें तो इसी वजह से क्या होता है कि उसमें होता है ट्रांस फैट और ट्रांस फैट खाने से हमें मिलती है गंदा फैट गंदा फैट मतलब शरीर में जमेगा गंदा कैलेस्ट्रॉल यानी कि एल डी एल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है शरीर की रक्त वाहनियों के अंदर जाकर जम जाता है और जब शरीर की रक्तवाहनियों में वो जम जाएगा तो अब तुम्हें तुम जैसे कि नॉर्मल चलते हो कि एक यंग बच्चा है जो नॉर्मल चलता है तो उसकी शरीर की रक्तवाहनियां साफ हैं, तो उसको खूब सारा ब्लड मिलता रहता है खूब सारा ऑक्सीजन मिलती रहती है फिट एंड फाइन रहता है पर जैसे जैसे जो ट्रांसफेट ज्यादा खाता है उसकी रक्तवाहिओ में यह कोलेस्ट्रोल जम जाता है और वहां पर जो रक्त वाहनियों का आकार है जो उसके जितनी जगह से पाइप में से पानी निकलना था पाइप में से ब्लड निकलना था वो कम हो गया अब तुम्हारे हार्ट को उतनी ऑक्सीजन चाहिए शरीर को चलाने के लिए उतनी ऑक्सीजन चाहिए बल्कि मोटे और हो गए हो तो और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए है ना तो अब तुम्हारा हार्ट क्या करेगा फटाक से ऑक्सीजन की डिमांड करेगा तो ज्यादा ब्लड चाहिएगा अब जगह तो है नहीं उस पाइप में से रक्तवाहनियों में से निकलने की तो क्या होता है ब्लड प्रेशर बन जाता है और बेचारा हमारा हार्ट एक मोटर की तरह है ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो किसी दिन फेल हो जाएगा तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाता है तो इन सभी के पीछे जिम्मेदार है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि क्रिएट होता है ट्रांसफेट से संतृप्त वसा से अब इसको हमें जीरो करना था तो अब कैसे सरकार चमकम चकमा दे तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां है जो पैकेजिंग फूड बेचती हैं किसी का नाम लेना यहां गलत होगा पर हां जो भी ये दिग्गज कंपनियां हैं वह पाम ऑयल को डाल देती हैं और अपने टारगेट पूरे कर रही हैं इसका प्रभाव इंडोनेशिया के पर पर पड़ रहा है, जहां पर आपके पाम ऑयल हमें मिलता है तो हमारे इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल पाम के पेड़ों से मिलता है अब वहीं से ये लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से समस्या हो रही है तो इसीलिए क्या हो रहा है कि खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण में कई कंपनियां लगी हुई हैं और अपने मिली भगत की वजह से पूरे लूसेर परितंत्र को नष्ट कर रही हैं, यानी कि एक ऐसा परितंत्र जो कि पाम ऑयल पर निर्भर है उस पूरे को नष्ट कर रही हैं ये कंपनियां तो यहां पर देखा गया कि कंपनियां क्या कर रही हैं, जैसे कि कंपनियों में रॉयल गोल्डन ईगल है वह पाम ऑयल की खरीद कर रहा है साथ साथ आपकी कुछ सहायक कंपनियां हैं वह भी आपके लूसेर परितंत्र पाम ऑयल और पल्प के बागानों को जो स्थापित किया था उन्हें नष्ट कर रहा है खाद्य कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि नेस्ले इंडिया कॉफी वाली आपके मोडलेज इंटरनेशनल इंक यूनिलीवर, ये सब कंपनियां इन्हें नष्ट कर रही हैं। कॉस्मेटिक कंपनियों में कोलगेट पोमोलिव और आपके ये नुकसान पहुंचा रही है बैंकों में जैसे कि जापान के मुत्सुबिशी बैंक और वगैरह वगैरह तो ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं मिलकर पूरे पाम ऑयल के पाम ट्रीज के परितंत्र को लूसेर परितंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं साथ साथ देखा गया है कि लूसेर परितंत्र की स्थापित टी तुआलंग राया द्वारा इसकी आपूर्ति की जा रही है और कई बार ऐसी चीजें हो रही है कि हमारे ये पूरे तंत्र नष्ट होते जा रहे हैं तो देखिए काफी सारे डेटाज हैं बहुत सारी चीजें हैं पर इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है पर हां फैट को तो हमें खत्म करना ही करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पाम ऑयल क्या है क्यों महत्वपूर्ण है क्या होता है लूसेर परितंत्र तो देखो पाम ऑयल कुछ इस प्रकार के आकर्षक फलों से मिलता है तो हमारा जो पाम ऑयल है वह क्या है विश्व के उष्ण कटिबंधीय है। मिलते हैं पाम ऑयल के वन विश्व के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर मिलते हैं जैसे कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया में वर्षा वन मिल जाएंगे 400 सेंटीमीटर से आसानी से ज्यादा बारिश होती है इंडोनेशिया के अंदर इसीलिए यहां पर खाद्य और घरेलू उत्पादों के प्रयोजन हेतु पाम ऑयल की बहुत डिमांड है और पाम ऑयल क्या है वनस्पति तेल का एक मुख्य वैश्विक स्रोत है और दुनिया भर में इसका जो उत्पादन है मिश... उत्पादन मिश्रण का लगभग 33 प्रतिशत है खासकर जो आपके कभी गए हो मालिश वालिश करवाने मसाज वगैरह करवाने नहीं गए तो अच्छी बात है पर अगर जाओगे ना तो पाम ऑयल की मसाज बेस्ट मानी जाती है बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए तो ये सारी चीजें हैं काफी महंगा आता है पाम ऑयल जैसे कि लगभग एक लीटर ही मान के चलो बारह सो तेरह सौ रुपए का आएगा पर काफी अच्छा माना जाता है पाम ऑयल तो दुनिया भर में पाम ऑयल भारत क्या है पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है सबसे ज्यादा भारत के अंदर ही आयात होता है पाम ऑयल का और कहां से वो भी इंडोनेशिया से और मलेशिया से इंडोनेशिया से और मलेशिया से हम पाम ऑयल काफी मंगवाते हैं इसके अलावा आपके पाम ऑयल कहां कहां मिलते हैं हमें इंडोनेशिया मलेशिया नाइजीरिया थाईलैंड कंबोडिया आदि देशों के अंदर पाम ऑयल और पाम ट्री मिलेंगे तो पूरे विश्व के लगभग 95 फाइव पाम ट्रीज यहां पर हमें मिल जाएंगे हिंदी में पाम का मतलब होता है जैतून का तेल ठीक है जैतून का तेल नाम तो सभी ने सुना होगा चाहे पाम ऑयल सुना हो या नहीं सुना हो पर जैतून का तेल जरूर सबने सुना होगा है ना तो देखिए हमारे यहां पर भारत में अब आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाम ऑयल उत्पादित होते हैं क्योंकि तो यहां पर भी कुछ वर्षा वन है पाम ट्रीज के जो यह उत्पादित करते हैं और आंध्र प्रदेश देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन का 80 प्रतिशत से भी ज्यादा उत्पादन करता है और आंध्रा फर्स्ट नंबर पर है पाम ऑयल के उत्पादन में तो ये सारी चीजें भी थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए तो देखिए पाम ऑयल की खेती भारत में भी की जा रही है क्योंकि भारत बहुत ज्यादा आयात करता है तो इसीलिए भारत सरकार ने कुछ यहां पर पहले किए हैं जो कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है जैसे कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने उन्नीस और बानवे के अंदर हमारा तिलहन और दलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन टी चालू किया और टीएमओपी में तिलहन यानी कि पाम ऑयल भी एक तिलहन है तेल देता है तो उस पर भी कार्य किए गए ऐसे ही भारत सरकार ने आठवीं नवी पंचवर्षीय योजना के अंदर एक व्यापक योजना बनाई और उसमें तेल पाम विकास कार्यक्रम ओपीडीपी को चालू कर दिया ऐसे ही हमारे दसवीं ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत तिलहन दलहन पाम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना जिसे आई ओ पी ओ एम आईसो कहा जाता है इसे चालू किया हमारी भारत सरकार ने साथ साथ बच्चों यहां पर भारत सरकार ने 2011-12 के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने की बात हुई और इसीलिए पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार ओ पी ए ई को विशेष कार्यक्रम के रूप में अपनाया जहां पर साठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर वर्ष 2014 तक जारी रहा पाम ऑयल का प्रोडक्शन ऐसे ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर तिलहन और पाम ऑयल एन मूप नाम का राष्ट्रीय मिशन चला इसके कई मिनी मिशन भी है तो आप देख सकते हो कि इवन चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना से लेकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक हमने लगातार पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर काफी ध्यान दिया है और काफी चीजों पर कार्य भी किया है तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ साथ आपके भारत सरकार ने और भी कई काम किए हैं जैसे कि अंडमान निकोबार पर हमें वर्षा वन मिलते हैं तो वहां पर भी नाजुक पारिस्थितिकी में भी हम पाम ऑयल को उड़ाने की लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर जब ऐसा लगा कि हाँ अंडमान निकोबार का पारिस्थितिकी काफी नाजुक है काफी संवेदनशील है तो लोग हाई कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर वहां पर चीजें थोड़ी सी रुक गई ऐसे ही यहाँ पर पाम ऑयल की वजह से कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती क्योंकि कई क्षेत्रों में इतना आसान नहीं है इसे उगा पाना और इसे काफी ज्यादा पानी की भी जरूरत होती है जो हमारे देश के लिए कुछ क्षेत्रों में ठीक नहीं है तो इसीलिए उसे भी हमें थोड़ा सा देखना होगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की आखिर ये लूसेर परितंत्र है क्या जहां तक सभी समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि क्या है लूसेर परितंत्र लूसेर परितंत्र क्या है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक वन क्षेत्र है जो कि सबसे प्राचीन और जीवन समृद्ध पारिस्थितिकी को रखता है पृथ्वी पर लूसेर परितंत्र एक ऐसा अंतिम स्थान है जहां सुमात्रा के औरंग हाथी बाघ गैंडे सनबियर्स अभी भी एक ही पारिस्थितिकी में घूम घूमते हैं तो पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो इतना समृद्ध है जहां पर तुम्हें औरंग गुटान और हाथी जैसे जीव शेरों के साथ में मिल जाते हैं तो यह कहां पर है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया तो ये है हमारा पूरा का पूरा हमारा यहां पर लूसेर परितंत्र ठीक है यहां पर पाम ऑयल भी मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा लूसेर परितंत्र निम्नलिखित में से कहाँ है तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आपको लूसेर परितंत्र मिलेगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा तो सोच के देखो औरंग गुटान यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कभी जाओ तो पता चलेगा कि औरंगुटान बैठा हुआ है तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी चलो बच्चों सिस्टम अब थोड़ा सा हीटेड हो गया है ग्लिचेस बढ़ते जा रहे हैं तो आज के लिए इतना ही करेंगे बाकी चीज़ों को हम कल देखेंगे ठीक है तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस बाकी चीज़ों को हम कल देखेंगे कल के सेशन में देखेंगे तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज हैव ए गुड नाइट और अन को ज्वाइन करते वक्त आप डबल एस एल आई वी एस एस एल आई वीई रेफरल कोड यूज कर सकते हो एंड गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड थैंक यू टू एवरी वन गाइज एंड प्लीज लाइक एंड शेयर हैव ए गुड नाइट हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू